discuss some of the important achievements of the Mendeleev periodic table, जिसमें हमने ये कहा कि he was able to explain a system. So he actually gave a very systematic way. So about the achievements of the Mendeleev periodic table, it gave a very systematic way of studying the elements, right? पीरियोडिक टेबल उसने असाइन किया जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया हुआ है, ओके, इन अ स्पेसिफिक वे, इन अ सर्टेन वे. ही आल्सो करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स एंड आई टोल्ड यू दिस थिंग लास्ट टाइम आल्सो दैट ही एक्चुअली प्रिडिक्ट द न्यू एलिमेंट्स. तो उसने कुछ गैप्स जो थे वो छोड़े हुए थे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था द न्यू एलिमेंट्स लाइक गैलियम, जिसको उसने क्या नाम दिया, ई के ए एल्यूमिनियम. Okay, so gallium he predicted the new element, then germanium, again EKA silicon. Okay, so new elements जब तब तक उनको नाम नहीं पता थे, so in this way he actually labeled them. For the scandium, EKA boron. Okay, so let me show you now where he has actually kept the places, vacant places. मैं आपको Mendeleev periodic table दिखाती हूँ और उसमें आप देखो कि उसने dash जो है वो छोड़े हुए हैं वहां पे. See beta, just a minute. Okay, see here. Are you able to see beta? दिख रही है आपको पिक्चर? Yes, no? पिक्चर इज विजिबल टू यू? Yes, no? Yes, ma'am. Okay. See beta here. I have told you boron. Boron के नीचे उसने स्पेस जो है वो देखो 44 पे खाली छोड़ी हुई है. Right? सिमिलरली एल्यूमिनियम के नीचे वाली स्पेस भी, जो एल्यूमिनियम के नीचे एलिमेंट आना था डेट वॉज एक्चुअली गैलियम, वो भी उसने वेकेंट छोड़ी हुई है स्पेस यहाँ पर. सो ही बोल्डली लेफ्ट द वेकेंट स्पेस, ओके, एंड ही प्रिडिक्टेड द इन्वेंशन ऑफ द न्यू एलिमेंट. सिमिलरली फॉर द सिलिकॉन, एक मैंने आपको सिलिकॉन का बताया है, तो सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आना था, अगेन 72 पे उसने स्पेस खाली छोड़ी हुई है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. नाउ वी विल बी स्टडिंग that what were the limitations of this periodic table. अब ये periodic table fail कहाँ पर हुआ, right? तो last time also I told you this thing about the limitations. तो यहाँ पर जो हमने hydrogen को actually position assign की है, that is not correct. The position of the hydrogen is not correct. Why? Because hydrogen, it can behave both like alkali metals. ये एल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकता है, ओके, दैट वी हैव एक्चुअली प्लेस्ड इन द 1B. जस्ट सो क्लियरली इट कैन बिहेव लाइक द एल्कली मेटल. हाइड्रोजन को 1B में रखा गया था, ओके, बट इट एक्चुअली रिजेंबल्स द एल्कली मेटल, राइट, जो कि किसमें थे, 1A में प्रेजेंट थे. एंड इट ऑल्सो रिजेंबल्स द हैलोजन्स, right? It also resembles the halogens that were actually present in the 7A group. Now, how it resembles alkali metal? See, if we see the configuration of the hydrogen, so it is having only one electron. एक इलेक्ट्रॉन है. तो अगर आप alkali metals देखो, lithium हो गया, sodium हो गया, potassium, they all are having one electron in their valence shell. So in this context, they said that it resembles the alkali metals. And similarly, if I talk about the halogens, fluorine, chlorine, bromine, or iodine, okay? So they all need one electron to complete their octet also.
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बात तो उस एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन और आइदर इन द फॉर्म ऑफ गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हाइड्रोजन जो था जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी गई, द हाइड्रोजन इट वॉज एक्चुअली रिजेम्बलेंस शोइंग फॉर बोथ द अल्कली मेटल्स एंड द अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ओके, हाइड्रोजन इट कैन फॉर्म द कंपाउंड्स बोथ लाइक द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स, दोनों की तरह बिहेव करता है। अब जैसे आप हैलोजन लिखते हो, आप एफ टू लिखते हो, सी एल टू लिखते हो, सिमिलरली वी राइट हाइड्रोजन एज एच टू ऑल्सो, लिखते हैं ना हम। हाँ जी बेटा, द कंपाउंड्स एन ए सी एल आप बनाते हो, सिमिलरली यू आर हैविंग द कंपाउंड एच सी एल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप कहते हो। ओके, तो हाउ द हाइड्रोजन इट इज एक्चुअली रिजेम्बलिंग द बोथ वन, तो दैट वॉज एक्चुअली नॉट करेक्टेड बाई द मेंडेलिस। ठीक है, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर पोजीशन ही नहीं असाइन हुई बाय द मेंडेलिस। नाउ सेकंड वन, देयर वर सम ऑफ द एनोमलस पेयर्स, देयर वर सम ऑफ द एनोमलस पेयर्स। एनोमलस का मतलब क्या होता है? द नॉट करेक्टेड वन। ठीक है, एनोमलस का मतलब कुछ पेयर्स ऐसे थे जो एक दूसरे को सूट नहीं कर रहे थे, दैट वर नॉट एक्चुअली राइट। ओके, सो हेयर इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ द आर्गन एंड द पोटेशियम, आर्गन का मास 39.9 था एंड पोटेशियम का मास 39.1 था, स्टिल द आर्गन इट वॉज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द पोटेशियम। ठीक है, तो जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस लिख रहे हैं तो पोटेशियम पहले आना चाहिए था, आर्गन जो था वो बाद में आना चाहिए था। ओके, बट यू सी वी राइट 18 एलिमेंट एज आर्गन और 19 को हम पोटेशियम लिखते हैं, बट देयर इज एनोमली if they are actually distributing the elements on the basis of their atomic masses, to us basis pe jo potassium hai wo pehle likha jana chahiye tha. Okay, so this is the anomalous behavior. Similarly, the anomalous behavior can be studied for the cobalt. Cobalt aur nickel ka bhi anomalous behavior hai. Okay, so they were some of the anomalous pair that were actually not discussed or that were actually not explained by the Mendeleev. हाँ जी, क्लियर बेटा, क्लियर। यहाँ पर एटॉमिक मास आप लिख सकते हो कोबाल्ट का, डेट इज 58.93, सिमिलरली फॉर द निकल डेट इज 58.71। तो जब हम लिखते हैं, हम कोबाल्ट पहले लिखते हैं, निकल बाद में लिखते हैं, अगेन राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एनोमलस बिहेवियर। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, द नेक्स्ट थिंग इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। Now you all know isotopes, they are the actually species or the elements, atoms of same elements. So same elements ke atom hote hain, but they are actually having the same Z and they are having different A. तो अगेन हम क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पे सारी जनरलाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स असाइन नहीं की गई, आइसोटोप्स की कोई बात नहीं की गई यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में। ओके, सिंस दे आर आल्सो द एलिमेंट, दे आर आल्सो द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, तो यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैं, ओके, यहाँ पर हमारे पास ऐसे एटम्स आ रहे हैं जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो रहे हैं। ओके, सो दे वर एक्चुअली नॉट असाइंड एनी पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। कमिंग टू द लास्ट वन, जैसे यहाँ पर आपने एनोमलस बिहेवियर स्टडी किया है रिगार्डिंग द एटॉमिक मासेस, सेम एनोमली इज देयर फॉर द रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो एक दूसरे को की प्रॉपर्टीज तो रिजेम्बल नहीं कर रहे थे, बट देवर एक्चुअली प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ओके, हाँ जी, क्लियर बेटा, देयर वर सम ऑफ द रॉन्ग पेयर, दैट मींस द एलिमेंट्स दे आर एक्चुअली नॉट रिजेम्बलिंग, दे आर नॉट शोइंग देयर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ईच अदर, बट स्टिल उनको क्या किया गया था, एक साथ रखा गया था। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर एंड मर्करी, कॉपर और मर्करी दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज रिजेम्बल करते थे, शो करते थे, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज विद ईच अदर, but they were actually placed in different groups.
तो उनकी जो पोजीशन स्पेसिफाई की गई वो डिफरेंट पोजीशन स्पेसिफाई की गई, दे वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स. Okay, so this is the first pair. Similarly, you can take the example of other pairs also, like lithium, sodium, potassium. In sab ko group kiya gaya tha copper, silver, gold ke saath. These three pairs, they were actually grouped with copper, silver and gold. Ab aapko pata hai copper, silver, gold jo hain, they are less reactive. Okay, silver aur gold jo hain, unki kam reactivity hoti hai, while lithium, sodium, potassium, they are highly reactive. तो अगेन देयर वर सम ऑफ द एनोमलस बिहेवियर कि ये तो बहुत बिहेवियर ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं बट दे शो लेस रिएक्टिविटी. ओके, सो व्हाई दे आर ग्रुप्ड टुगेदर, क्यों उनकी ग्रुपिंग की गई है. ओके, सो दिस वाज द फोर्थ एनोमली और द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल. कमिंग टू द लास्ट लिमिटेशन, द लास्ट वन इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. कि उसने ये सारी चीजें कह दी, पीरियोडिसिटी की बात कर दी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं. ओके, द प्रॉपर्टीज दे विल बी रिपीटिंग इटसेल्फ, बट व्हाई दे आर रिपीटिंग, क्यों रिपीट कर रही हैं, उनका मेन रीजन क्या है उनके पीछे उनकी रेपिटेशन का, दैट वाज एक्चुअली नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मेंडेलिव. ओके, व्हाई दीज प्रॉपर्टीज एक्चुअली दे आर चेंजिंग, व्हाई द एलिमेंट्स दे आर शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, all these things they were actually not shown by the or they were not actually discussed by the Mendeleev periodic table. Okay, so this was all about the Mendeleev periodic table. Kya hai periodic table, right? Uski kya limitations thi, uski kya achievements thi. So far this actually table, periodic table, it gained huge success because he was the first to arrange the एलिमेंट्स इन सम ऑर्डर. ठीक है, बट अगेन एनोमली आ गई, एनोमली आ गई ना, लिमिटेशन आ गई है. ओके, डिफरेंट ग्रुप अंशिका, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम. आपको पता है दीज एलिमेंट्स दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. ओके, दे वर प्लेस्ड विद कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. अब ये तो रिएक्टिविटी कम शो करते हैं, आपको पता है गोल्ड सिल्वर दे आर लेस रिएक्टिव, तो इनको ग्रुप करने का क्या मेथड था. ठीक है, तो मेंडेलिव ने इनको इकट्ठे क्यों किया, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दे आर हाईली रिएक्टिव. आपने पढ़ा हुआ सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल्स में स्टोर करते हैं. ओके, बट दे आर एक्चुअली लेस रिएक्टिव, सो व्हाई दे आर पेयर टुगेदर, इन दोनों को पेयर करने का क्या रीजन था. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस. कोबाल्ट और मर्करी जो थे, दे वर शोइंग द सिमिलर बिहेवियर बट स्टिल उनको डिफरेंट ग्रुप्स असाइन किए थे. तो देयर वर सम ऑफ द एनोमलीज, कुछ गड़बड़ थी उस पीरियोडिक टेबल में. ओके, एंड दैट वाज एक्चुअली रिमूव्ड विद द असाइनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब हमारा जो एक्चुअली चलता है मेन पीरियोडिक टेबल, द मेन दैट वी फॉलो इन टूडेज टाइम इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Okay, so modern periodic table, it was actually assigned by Moseley in 1913. Okay, so it was actually assigned by Moseley in 1913. So what according to this is, जैसे मेंडेलिव ने कहा that all the chemical properties, physical and the chemical properties. And the physical properties of the elements are periodic function of their masses so according to the modern periodic law here we will not be considering the mass we will be considering the atomic number. Now this is the definition of the modern periodic table. Okay, so this is the definition of the modern periodic table where we say that jitni bhi properties repeat kar rahi hain physical or chemical properties, wo kyun repeat karti hain,
इट इज ड्यू टू देयर रेपिटेशन इन देयर एटॉमिक नंबर. उनके एटॉमिक नंबर में कुछ ऐसी चीज है जो बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है. ओके तो एटॉमिक नंबर, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस टर्म एटॉमिक नंबर जेड, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटोन्स. एंड यू नो फॉर द न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटोन्स विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द एटम ऑन द होल इज न्यूट्रल इन नेचर. ओके तो यहां पर अब हमने क्या देखा, द मेन थिंग दैट वॉज देयर फॉर द रेपिटेशन वन फॉर द पीरियोडिक फॉर द पीरियोडिकल बिहेवियर इट वॉज द इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द पीरियोडिक टेबल और फॉर अ स्पेसिफिक एलिमेंट इट इज एक्चुअली रिपीटिंग इटसेल्फ. ओके अब हम इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने स्पेसिफिकली किसकी बात करनी है, आउटर मोस्ट शेल की. We are only concerned with the number of electrons that are actually present in the outermost shell. जो valence shell, बाहर वाली shell के electrons हैं, okay? We will be studying about their behavior. Now, in this modern periodic table, what they concluded is कि जो elements हैं, उनकी जो valence shell configuration है, वो अपने आप को repeat करती है. Like the simplest example, we take lithium, sodium, potassium. 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1. यही है. हाँ जी बेटा यही है कि नहीं. Similarly, we can take the example of beryllium, magnesium, and calcium. 2-2, 2-8-2, 2-8-8-2. तो सब में आप देख सकते हो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं. सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 1. ओके सो द रेपिटेशन क्यों रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेशन की वजह है उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो उनकी आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन है. दिस इज द फैक्टर दैट इज मेन इन द रेपिटेशन पार्ट ऑफ दिस. ओके एंड द मैजिक नंबर्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड 2, 8, 18, and 32. Right? In K shell, there should be 2 electrons. In L shell, there should be 8 electrons. And M mein 18, fir uske baad 32 electrons. Okay? Haan ji, clear beta? To ab jab unhone grouping ki, elements ki together, when they group the elements, okay? So they see a number of elements, they were actually showing the same behavior. जिसमें मैंने आपको एक पेयर बता दिया है लिथियम सोडियम और पोटेशियम का. ओके सिमिलरली इफ आई टेक अबाउट द टॉक अबाउट द हैलोजन्स. अब हैलोजन्स की बात करते हैं तो हैलोजन्स यू नो दे आर द फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ओके तो इसमें इनके एटॉमिक नंबर्स यू नो दैट इज 9, 17 एंड दिस इज 35. ओके तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो इट विल बी 2-7, दिस इज 2-8-7. अब उसके बाद 35 को जब आपने अरेंज करना है दैट इज गोइंग टू गिव यू फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 आएंगे, थर्ड में 18 एंड देन लास्ट में 7. ओके सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द 35 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगेन यू कैन सी इन ऑल दीज देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है तो इनकी अलग फैमिली जो थी वो कंस्ट्रक्ट हुई जहां पर हमने ये कहा कि दे नीड वन इलेक्ट्रॉन, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपनी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सके, पूरा कर सके. सो दे विल बी फॉर्मिंग एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव जो आप लिखते हो. ओके सिमिलरली दे विल बी फॉर्मिंग एनए पॉजिटिव, के पॉजिटिव आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. ओके एंड हेयर ऑल्सो दे विल बी फॉर्मिंग Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव, जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड तक ये कंसेप्ट पढ़ के आए. ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट विल एक्वायर स्टेबिलिटी. आफ्टर द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हेयर द कॉन्फिगरेशन विल बी 2-8, अगेन इट विल एक्वायर द स्टेबिलिटी. ओके हाँ जी क्लियर बेटा. एंड लास्टली वी टॉक अबाउट द नोबल गैसेस. हीलियम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं,
And here for the argon, it is having the configuration of 288. Okay, so this explains their behavior, that why they are not stable, why they are the noble gases, why they are called as inert gases. क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको loss या gain करने की कोई जरूरत नहीं है. They are already stable. ठीक है, तो ऑलरेडी स्टेबल हैं, इसीलिए दे डोंट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इन एनी ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, सो हेयर बेसिकली द मेन थिंग दैट वी अचीव हेयर इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज द थिंग ऑफ द रेपिटेशन ऑफ देयर वेलेंस शेल कॉन्फिग्रेशन. क्योंकि उनकी जो लास्ट शेल कॉन्फिग्रेशन है वो अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है. हाँ जी बेटा, क्लियर है यहां तक? क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट यू कैन आस्क. हाँ जी, 9th, 10th वी, एनी डाउट यू कैन आस्क. यस नो, कुछ तो बोलो. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. अब हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि हाउ हेयर द पीरियोडिक टेबल एक्चुअली इट वॉज असाइंड द वैल्यूज. सो हेयर इफ वी सी द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स, दे वर एक्चुअली चेंज्ड. क्योंकि एलिमेंट्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे. सम दे वर ग्रुप्ड टुगेदर, दो दे वर डाई सिमिलर, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं थे बट फिर भी उनको एक ग्रुप में प्लेस किया गया था. ओके, सो इन दिस वे, इन इन द करेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो द पीरियड्स दे गेट 7. ओके, नाउ इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें हमारे जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, द पीरियड दे आर एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल रोज. मैंने आपको पहले भी बताया है, तो जब भी हमने पीरियड्स देखने हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ऐसे द हॉरिजॉन्टल रोज. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, वी आर हैविंग 7 पीरियड्स. ओके, तो ऐसे हमारे पास 7 रोज हैं, राइट? सो दे आर द 7 पीरियड्स हियर. And if we talk about the groups, तो हमारे groups जो हैं, they are 18 groups now. तो instead of 8, जो Mendeleev ने कहा था, अब हमारे कितने हो गए हैं? We are having the 18 groups in the modern periodic table. And groups, they are actually the vertical columns. Okay? अब इन्हीं 7 rows को मैंने divide किया है 18 में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Okay? So ये जो मैंने बनाए हैं, this thing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. They are actually the vertical columns, okay? जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं. हाँ जी, क्लियर बेटा यहां तक? सो द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे आर नोन एज द ग्रुप्स, एंड द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे आर नोन एज द पीरियड्स. ओके, नाउ इन योर सिलेबस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेन ग्रुप्स ओनली, बट मैं आपको सारा पीरियोडिक टेबल एक बारी बता देती हूँ. इफ वी स्टार्ट विद द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन हियर. ओके, इन दिस एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल की,
यहाँ पर जो पहले आपके दो ग्रुप्स लिखे जाते हैं, इनमें से पहला ग्रुप है एल्कली मेटल्स का. ओके, द फर्स्ट ग्रुप इज द एल्कली मेटल्स एंड द सेकेंड ग्रुप इज एल्कलीन अर्थ मेटल्स. Is this clear, beta? The first group is alkali metal and the second group is alkaline earth metal. अब hydrogen की जो position है उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर मैं helium बनाऊंगी, okay? But मैं बाद में बनाऊंगी अभी, क्योंकि यहाँ पर ये सारा periodic table complete होके फिर हम दूसरी side जाएंगे, okay? So let's start with the elements now. अब अगर मैं alkali metals group one की बात करूँ, तो group one में कौन-कौन से elements आते हैं? That is hydrogen, lithium, सोडियम, ओके, पोटाशियम, रूबीडियम एंड सीजियम. ठीक है, फ्रेंजियम भी आता है, तो आई विल बी नॉट राइटिंग दैट क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है. ओके, नेक्स्ट लिथियम के बिल्कुल सामने हमने बनाना है बेरिलियम. ओके, लिथियम के बिल्कुल सामने बनाना है बेरिलियम. So they are the elements beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. Okay, again इसके बाद भी एक element आएगा, that is radioactive. We will not be drawing that. तो group one देख लिया हमने और group two देख लिया है. Group one alkaline metals and group two alkaline earth metals हैं. Okay, how to learn them? I'll be sending you the scheme. Okay, वैसे modern periodic table की बहुत सारी rhymes होती हैं, आप वो देख सकते हो. जैसे यहाँ पर बेटा मांगे car, scooter, बाप आ गया रहता है राजी. ओके, सो इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट योर राइम्स, ओके, इन योर वे टू लर्न, और आइदर आई विल बी सेंडिंग यू द राइम्स. ओके, तो उससे क्या होता है कि आप पीरियोडिक टेबल इजीली लर्न कर सकते हो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हेन वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू लीव सम गैप हियर. ओके, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग टिल नाउ. तो हम अभी तो नहीं करेंगे वो गैप डिस्कस. ओके, तो यहाँ के बाद मैंने 10 एलिमेंट्स जो है वो और बनाने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने 10 एलिमेंट्स का गैप छोड़ दिया है. डेटा आई विल बी मार्किंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 एंड 12, तो यानी कि 3 टू 12 अब हमने छोड़ देना है एज इट इज. उसके बाद नाउ वी विल बी शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स. तो यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से मेरा बेरिलियम है. आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. ओके, 1, अब हमने 18 तक लेके जाना है. सो दिस विल बी 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ओके, तो दिस इज हाउ आर पीरियोडिक टेबल इट विल लुक लाइक. ओके, 18 में भी मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने क्या बनाना है, हीलियम बनाना है. ओके, राइट बेटा. नाउ दीज टू ब्लॉक्स, ये जो आपने दो बनाए हैं ग्रुप, सॉरी ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू जो एल्कली मेटल्स हैं और जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, हम इनको एस ब्लॉक कह देते हैं. ठीक है, यानी कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है. दीज थिंग्स यू विल बी स्टडिंग इन डिटेल इन योर नेक्स्ट क्लास. दीज टू ग्रुप्स दे फॉर्म एस ब्लॉक. ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं आपके अल्कली मेटल और अल्कलीन अर्थ मेटल, ये क्या बनाते हैं, एस ब्लॉक बनाते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 18 they will be forming your P block. तो हमारा periodic table कैसे divided है, S block में है, P block में divided है. Okay? अब देखो, जैसे आपने 120 scheme learn की थी, 1 से 20 की, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, neon की थी ना, करवाई थी हमने आपको स्कीम लर्न. सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आपका आ जाता है 13, दैट इज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन,
ठीक है। उसके बाद आता है आपका पोटेशियम, दिस इज कैल्शियम। ओके, तो नेक्स्ट एलिमेंट्स में लिखने लगी हूँ, हेयर इट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सिमिलरली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड। ओके, SN एंड PB। देन उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। दीज आर द नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, देख लो बस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। तो एस और पी ब्लॉक मैंने आज बनवाए हैं, ठीक है, तो कल फिर इससे स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स असाइंड है यहाँ पर, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कल।